Om Sai Ram, everyone. I welcome you all to SRK's exclusive financial astrology bolu ya pitrapaksh bolu because financial astrology ke saath humne complimentary diya aap logo ke pitrapaksh ki workshop jinhone bhi financial join kiya tha. Rest kafi bachche sirf pitrapaksh ke liye bhi hamare saath jude hain. To aap sabka swagat hai Sai Ram Creations mein. मैं साधन गुलाटी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस ट्रस्टिंग अस एंड ऑलवेज कोऑपरेटिंग विद अस. तो सबसे पहले आज तो अभी दो दिन तो हम पितृपक्ष की बात करेंगे. देखिए हम लोग इसको सुपरस्टिशन समझते थे है ना. मैं भी आप लोगों की तरह ही थी व्हेन आई वाज यंग तो मुझे ऐसे लगता था सब सुपरस्टिशन है सब एक डराने वाली बातें हैं कि पितृ नाराज हो जाते हैं या पितृ व्हाट आर पितरास. मैं आप लोगों को अगर साइंटिफिकली समझाऊं बिकॉज आप लोगों को पता है कि हम कोई भी चीज अगर मैं करवा रही हूँ या मेरे प्लेटफॉर्म पे हमारी कोई भी टीचर करा रही है तो हर चीज साइंटिफिक और लॉजिकल होगी. सुपरस्टिशन नाम को आता है नाम सिखाते हैं. तो सबसे पहले हम साइंटिफिकली जानते हैं कि क्यों ये जो पितृपक्ष है व्हाट इज दिस एंड क्यों हमको इस पे रेमेडीज करनी चाहिए या क्या मतलब सिर्फ श्राद्ध करना ही इम्पोर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक ले जाती हूँ. जब गणेश चतुर्थी हम लोगों ने स्टार्ट की थी है ना तो गणेश जी को हम लोग लाए लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हम उनका विसर्जन क्यों करते हैं. क्या हम गणेश जी को रख नहीं सकते अपने घर में हमेशा के लिए क्योंकि हम किसी भगवान को लाए इतने प्यार से इतने दिनों तक खिलाया पिलाया और उसके बाद उनका विसर्जन कर दिया. लेकिन विसर्जन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक गणेश जी का विसर्जन नहीं होगा वो आपकी प्रॉब्लम्स अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे. अगर उनको अपने पास ही रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स भी वहीं रहेंगी है ना. और गणेश जी को इतना इन्फ्लुएंशियल माना जाता है. एक तो शिव जी के बेटे हैं वो ऊपर से रिद्धि सिद्धि उनकी दो वाइफ. और जब भी हमें कोई काम पड़ता है किसी से तो हम क्या करते हैं किसी वीआईपी पर्सन को कॉल करते हैं किसी ऐसे पर्सन को कॉल करते हैं जिसमें कुछ दम हो है ना जो आपको लगता है कि यस ये पर्सन मेरा काम कर सकता है. तो सिमिलरली हम गणेश जी को भी इसी मंशा से लाते हैं कि यस इनको लाने से मेरी सारी हर्डल्स पूरी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी. और सही भी ऐसा नहीं है कि रॉन्ग है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दिवाली रेमेडीज या हम जो प्लैनेटरी रेमेडीज करते हैं उन सबसे भी सबसे इम्पोर्टेंट है पितृपक्ष की रेमेडीज. पितृपक्ष की रेमेडीज इसलिए इम्पोर्टेंट है चाहे मेरे चार्ट में पितृ दोष है या नहीं है लेकिन राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जहां पे भी बैठा होगा आपके चार्ट में और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम ही देगा. राहु पैसा भी बहुत देता है तो क्या हमको पैसा नहीं चाहिए. मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भी हमको इंक्लाइन करता है तो उसको प्लीज करने के लिए पितृ पक्ष से अच्छे कोई दिन नहीं होते. तो जरूरी नहीं है सिर्फ राहु केतु को आपको राहु केतु एक्सेस से आपको शांति चाहिए या पितरों को आपको प्लीज करना है. देखो ये सब रीजंस तो हैं ही लेकिन मैं आप लोगों को सबसे साइंटिफिक रीजन बताती हूँ पितृ पक्ष में आप जो रेमेडीज करते हो उनका लॉजिक क्या है रीजन क्या है. बिकॉज राहु की जितनी भी हमको प्रॉब्लम्स होती हैं और राहु सिर्फ अच्छा होता है 3, 6, 10, 11 में. अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो वहां बैठ के वो राजयोग बनाते हैं राहु ठीक है. थर्ड हाउस में 6th हाउस में 10th हाउस में 11th हाउस में उसके अलावा हर जगह राहु जो है वो परेशानियां देते हैं. तो अगर राहु हमारा 3, 6, 10, 11 में है भी तो भी हमें उसको प्लीज करना है चाहे वो कहीं भी बैठा है हमें उसको प्लीज करना ही करना है क्योंकि राहु इज द ओनली कल्प्रेट प्लैनेट जो हमको लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स देता है. तो सिर्फ श्राद्ध करना तर्पण करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है हमको इन दिनों में बिकॉज ये 14 दिन साल में एक ही बार आते हैं है ना. हम अपनी लाइफ के लेट गो फेज में होते हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है कि आपको कोई नया मंत्र जाप शुरू नहीं करना आपको कुछ नई रेमेडी शुरू नहीं करनी. नो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. उल्टा मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना ये आपकी लाइफ का लेट गो फेज होता है. जब हम मॉर्निंग में वॉशरूम जाते हैं वो हमारा लेट गो फेज हो रहा होता है ना. सिमिलरली ये हमारी लाइफ का लेट गो फेज है. जितनी आप मेडिटेशन करोगे जितनी आप मंत्र जाप करोगे आपको उतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी चाहे आप वो पितरों की समझ लो चाहे आप डिवाइन की समझ लो चाहे आप यूनिवर्स की समझ लो राइट तो आपको उतनी ही ब्लेसिंग मिलेंगी. तो सिर्फ श्राद्ध कर लेना पंडित जी को खिला देना या जो भी आप लोगों के घर में रिचुअल्स होते हैं मैं ये नहीं कह रही आप वो नहीं करोगे बट दैट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ पितृपक्ष.
पितृपक्ष इज एक्चुअली टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ योर लाइफ. और मुझे ऐसे लगता है हम लोग दिवाली पे लक्ष्मी माँ की पूजा करते रहते हैं या हम और भी फेस्टिवल्स में पर्टिकुलर जो भी वो डीटी होती है उनकी पूजा करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पितृपक्ष जिसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे कल्प्रेट प्लैनेट राहु जिसको हम सिर्फ इन 14 दिनों में ही प्लीज कर सकते हैं, और उनको तो हम भूल जाते हैं. हमको ऐसे लगता है नहीं ये 14 दिन तो हमें कुछ नहीं करना, हमको नया नहीं करना, हमको जाप नहीं करना. वाह यार क्यों नहीं करना ये 14 दिन? आप राहु को जितना प्लीज करोगे आपकी लाइफ से उतनी ही ब्लॉकेजेस कम होंगी, उतनी ही प्रॉब्लम्स कम होंगी. ठीक है, तो बाकी तो हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कि प्रोफेशन कैसे देखना है. क्या क्या हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कि अभी हम इंसिया जी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं. लेकिन पितृपक्ष जो है मैं यही कहूंगी कि आप जितना भी आप लोगों को इसमें बताया जाएगा वो आप लोग जरूर करियो. स्पेशली हमने इसमें राहु की ऐसी रेमेडीज कवर करी हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी. ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल पीपल आर लकी जो हमारे साथ जुड़े हैं, और स्पेशली अगर जो पितृपक्ष के लिए जुड़े हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी. इट्स नॉट लाइक कि हमने बहुत कम चार्ज किया है तो हम आपको पूरा नहीं देंगे. डेफिनेटली आप चाहे देखा ही होगा आप लोगों ने, हम तो वेबिनार्स पे भी इतना देते हैं, तो ये तो हमारी पेड वर्कशॉप है ना जी. तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं इंसिया जी को इनवाइट करती हूँ. इंसिया जी, ओम साई राम एंड वेलकम टू SRK वंस अगेन. ओम साई राम मैम, ओम साई राम एवरीवन. तो पहले आप गाइड कर दो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आप क्या क्या कराने वाले हो, क्योंकि आई थिंक आज से ही हमारा उसका आरंभ हो चुका है, क्योंकि उसमें भी आप कवर करोगे. अच्छा एक मुझे ये बताओ कि पितृपक्ष में आप, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया था आज ऑफिस में जब कॉल आए थे, कि पितृपक्ष की रेमेडी क्लास में आप ये बताओगे ना कि पितृपक्ष देखना कैसे है चार्ट में, पितृदोष सॉरी. हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सारे कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन छूटेगा नहीं पितृदोष का. ओके, क्योंकि इवन और प्लैनेटरी वाइज क्या रेमेडीज वो सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा. ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. हमने रेमेडी क्लास लास्ट में देनी थी आप लोगों को, बट पहले इसलिए दे दिए क्योंकि पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है कल से. ठीक है, ताकि आप लोग रेमेडीज पहले ही कर लो. लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो राहु की वजह से ही होती हैं, और राहु जो है ये पैसा भी बहुत देता है, राहु जो है ये फॉरेन भी लेके जाता है, राहु जो है ये आपको इंटेलिजेंस भी देता है, तो हल्के में मत लेना उस प्लैनेट को. राइट, चलिए इनसे अभी फटाफट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बता दीजिए आप क्या क्या कराने वाले हो और प्रोसीड करते हैं आज की क्लास के साथ. हाँ जी, देखिए ये है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का सिलेबस. तो बेसिकली देखिए यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स ने न्यूमरोलॉजी की हुई है, और न्यूमरोलॉजी से भी कॉम्बिनेशन से हम बहुत अच्छा देख सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस है. अगर आप एस्ट्रोलॉजी को टच करते हैं तो आप कभी न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं भी अप्लाई होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इतनी टेक्निक्स है कि आप उन टेक्निक्स को यूज़ करके ये भी पता कर सकते हैं कि उसका परसेंटेज क्या होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आनी है उसका परसेंटेज क्या होगा. क्योंकि जब आप वो टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो उसमें आपको चार्ट खोलते ही आपको विजिबल हो जाएगी कुछ चीज़ें कि अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे मैम राहु की बात कर रही हैं तो मैं आपको राहु की बात बताऊँ. अगर किसी का सेकेंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे होगी, तो मैं आपको कोर्स में ये बताने वाली हूँ कि उसकी सिचुएशन जो होगी उसके फाइनेंसेस बिल्कुल झूले की तरह होंगे, स्विंग की तरह, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको बिल्कुल नहीं आ सकती है. मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि उसको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, उसको एट अ टाइम बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा, लेकिन दूसरे ही समय वो दिखेगा कि भाई कभी करोड़पति कभी रोडपति, ऐसी वाली उसकी गेंस और हालात हो जाएंगे. सो बेसिकली आप चार्ट खोलते ही इतनी सारी चीज़ें जज कर सकते हैं. उसके बाद जब आप डीपली डिविजनल चार्ट में जाएंगे तो आपको और इनसाइट्स आएंगे कि कौन सा प्लैनेट एक्चुअली आपको वेल्थ दे रहा है, किस समय में वेल्थ दे रहा है. तो अगर आप उन प्लैनेट्स को फॉलो करते हैं, उनको समझते हैं कि वो प्लैनेट आपको किस तरीके से गेंस दिलवा सकता है, तो उसको पकड़कर अगर आप अपना काम करते हैं तो फॉर श्योर आपको उसमें गेंस होने हैं. प्लस यहाँ पर राजयोग, बहुत बहुत सारे राजयोग आपके चार्ट में बनते हैं, लेकिन वो राजयोग जो है वो फलित ही नहीं होते हैं. तो आपको बेसिकली उन राजयोगों को कैसे फलित करवाना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है.
क्योंकि हम अपने चार्ट को देख देख के खुश, अच्छा विष्णु विष्णु लक्ष्मी योग बना हुआ है, महालक्ष्मी राजयोग बना है, इतने सारे राजयोग बने हैं, लेकिन चार्ट में प्रोग्रेस ही नहीं है। तो क्या रीजन है जो प्रोग्रेस नहीं है? क्योंकि अभी तक उसका टाइम ही नहीं आया है, और मे बी जब आप 60-65 ईयर्स के होगे तब उसका टाइम आना है, लेकिन आप तब कितना अर्न कर पाओगे? ठीक है, तो बेसिकली ये पहचानना कि हमारा समय कब आएगा जो जिसमें हम गेन्स अच्छे से ले सकते हैं, और अगर हमारे लाइफ टाइम में वो नहीं आना है तो उसको कैसे हम अचीव करेंगे। जैसे अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, प्रॉमिस एंड धन योगाज एंड बर्थ चार्ट, तो आपके चार्ट खोलते ही अगर धन योगाज और प्रॉमिस, आप ऑटोमेटिकली बता सकेंगे कि कौन कौन से किसके चार्ट में धन योग हैं, कितनी वेल्थ है आपके चार्ट में, और आप अपने मनी रिसीविंग को कैसे एनहांस कर सकते हैं। वास्तु, आप अपने चार्ट को देखकर आप अपने घर का वास्तु देख सकते हैं कि आपके किस एरिया में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं तो आप देखेंगे कि कौन से हाउस में आपके कौन सा प्लैनेट बैठा है, और वही आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि उस प्लैनेट की रेमेडी करनी है और इससे आपको गेन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत सारी रेमेडीज करनी है, प्रॉब्लम एक या दो प्लैनेट ही चार्ट में कॉज करते हैं, तो उसको अगर हम पकड़ना सीख जाएं और राइट टाइमिंग लेकर अगर हम अपने काम करना सीख जाएं तो ऑटोमेटिकली हम गेन्स ले सकते हैं। इसके अलावा कोई लोन लेता है तो लोन की रीपेमेंट का योग कैसे हम टाइम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है उसमें कैसे हम टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा अष्टक वर्ग मेथड बताया जाएगा। अष्टक वर्ग मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, आप बिल्कुल अपना वो चार्ट देखते से ही बता सकते हैं कि इस आदमी की कमाई ज्यादा है कि इसके खर्चे ज्यादा हैं कि इसकी बचत ज्यादा है। वेरी इजी मेथड। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि लाल किताब प्लैनेटरी जो पोजीशन मेथड है, वो मेथड भी वेरी इजी मेथड है ना, कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठकर आपको क्या फल दे रहा है। तो बहुत ही बेसिक लेवल पर मैं इसको स्टार्ट करूंगी ताकि आप इनिशियल चार्ट देखकर ही चीज़ें प्रिडिक्ट करने लग जाएं। लेकिन उसके बाद हम एडवांस्ड लेवल जैसे डिविजनल चार्ट, होरा लग्न, होरा लग्न से भी हम ये देखते हैं, होरा मींस वेल्थ, तो आपकी वेल्थ कहाँ छुपी हुई है वो देखेंगे हम होरा लग्न से। इंदु लग्न, इंदु लग्न से भी हम ये देखेंगे कि हमारी वेल्थ किस हाउस में है और वो कब हमको गेंस दे सकती है। दशा, ट्रांजिट, सो बेसिकली इतना कुछ हम सीखने वाले हैं कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक टेक्निक्स है वो इसी में कवर हो जाएगी। तो सिर्फ आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें दूसरी चीज़ें देखने के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा इंसाइट मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें देखी जाती है, किस तरह से एनालाइज की जाती है। और पॉजिटिव पॉइंट इसका यह है कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स लेने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल चार्ट्स लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन ऐसे काम किया और ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यस डेफिनेटली, और जैसे आप ये बात कर रहे हो मतलब ये सब चीजें मैं देख रही हूँ कि अगर हमारे पास जैसे बेसिकली कोई क्लाइंट आता है तो हम यही देखते हैं कि उसको मॉनिटरी प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहले उसका होरा चार्ट और इंदु लग्न ही चेक करती हूँ कि मॉनिटरी प्रॉब्लम जो है ये कब खत्म होने वाली है, मतलब कौन से प्लैनेट का ट्रांजिट होगा तो तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो डेफिनेटली आई कैन रिलेट दिस कि आपने ये जो सिलेबस हमने रेडी करा है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली फाइनेंसिस के लिए। मतलब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की बात ही करेंगे, 5-6 दिन जितनी भी वर्कशॉप चलती है, लेट्स सी हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो जाता, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बेसिक्स भी नहीं आता एस्ट्रो का, तो डोंट वरी, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाता क्लासेस ओवर नहीं होंगी, पूरा एडवांस लेवल तक ही आप लोगों को समझाएंगे कि आप चार्ट में फाइनेंसिस कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब स्नैपशॉट टेक्निक्स है। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, चुटकी बजा के आपने देखा और आपको समझ में आ गया कि यस ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, बेसिकली हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करूँ तो सेकंड हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है, सेकंड हाउस
और सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है वही बताता है कि आपका धन कहाँ से आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, बिकॉज वही सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। लेकिन सिर्फ सेकंड हाउस ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि पूरा चार्ट ही इम्पोर्टेंट है फाइनेंसेस के लिए। तो और प्रोफेशन भी आप लोग किसी को बता पाओगे ये कोर्स करने के बाद। उसके अलावा जो ये इन्होंने एक वास्तु टेक्निक जोड़ी है वो तो वैसे एस्ट्रो वास्तु का पूरा एक अलग कोर्स होता है इंसिया जी। जी बिल्कुल, लेकिन क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल तरीके से देखना सीख जाएं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को तो इसमें बहुत हेल्प होगी। तो इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट, मतलब आप समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी देखो बहुत वास्ट है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका इसके सिलेबस में मैंने ऐड किया है ताकि पूरी क्लियर विजिबिलिटी आ सके कि अच्छा ये सिचुएशन होगी फाइनेंस की। अच्छा ठीक है, राइट राइट, क्योंकि वास्तु जब तक ठीक नहीं होता, सही आप कह रहे हो, कितनी भी फाइनेंस रेमेडीज कर लो प्रॉब्लम रहती है। ओके दैट्स ग्रेट। चलिए अभी किसी को कुछ पूछना है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, किसी को कोई डाउट क्वेरी, या हम वैसे न्यू कमर्स का थोड़ा सा वेलकम भी कर लेते हैं एक बार। एपी कुमार जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ओम एवरीबॉडी। मैम इनसे मैम आई हैव अ क्वेश्चन, वो D2 चार्ट में आप क्या एग्जैक्टली बताएंगे? आई हैव अ डाउट लाइक कौन सा प्लेनेट कौन से हाउसेस में है, तो व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू टीच अस, व्हाट एल्स आई कैन एक्सपेक्ट? एपी कुमार जी जस्ट हैव अ लिटिल बिट पेशेंस, यू हैव ऑलरेडी जॉइंड द कोर्स सो यू डोंट वरी। It's basically going to tell you which dashas are going to be good, okay? And it's also going to tell you, देखो D2 chart की speciality ये है कि it is only two houses, sun or moon, either a cancer lagna or a leo lagna, right? So what is the meaning of the planet seated there? Okay, है ना? Are they benefiting you? Like I will show you the chart of Bill Gates. You will be surprised कि बिल गेट्स के चार्ट में आप मतलब देखते से ही आप बता सकते हो कि कितना इन्फ्लुएंशियल चार्ट है। तो इस तरह से आप कुछ चीजें तो एक नजर में आप पहचान लोगे, फिर कुछ चीजें आपको जाके थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा, अच्छा अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा होगा। तो इट विल बी वेरी इजी, आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। सिर्फ जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन फिर भी कोर्स सिलेबस इज वेरी वास्ट, स्टिल इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई विल से। एंड इसमें रेमेडीज भी काफी, मतलब मैं देख रही हूँ इंसिया जी आपने डाली है, लोन अगर किसी ने लिया है तो उसकी रीपेमेंट की रेमेडीज, स्टॉक मार्केट रेमेडीज, प्रॉपर्टी योग, तो मतलब अगर ये सब योगा है या नहीं है तो उसकी रेमेडी क्या, मतलब रेमेडी में कैसे क्या सोच रही हूँ? हाँ जी मैम, देखो जैसे अभी हम 2 days तो ये रेमेडीज करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी रेमेडीज होंगी क्लास में, क्योंकि जब हम सीख जाएंगे कि कौन से प्लैनेट्स ब्लॉक कर रहे हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीज आपके चार्ट में ब्लॉकेजेस कॉज कर रही है। क्योंकि देखिए पितृ, ये हम कह सकते हैं ये जो 15 days है बेसिकली ये मिराकुलस 15 days ऑफ द ईयर है। इस समय जो हम रेमेडीज कर सकते हैं, जो हम रिचुअल्स कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू ओपन ऑल ब्लॉक्स, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियल इज जस्ट वन एस्पेक्ट, लेकिन इसके अलावा रिलेशनशिप, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर के झगड़े, जो बोलो सारे ब्लॉक्स जो हैं ये 15 मिराकुलस डेज हैं जिसमें हम ओपन कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखो क्यों कहते हैं कि नई चीज मत खरीदो, नए कपड़े मत पहनो, इट इज जस्ट बिकॉज आप अपना माइंड मत डाइवर्ट करो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिचुअल्स रेमेडीज अपने, क्योंकि देखो हम क्यों हम अपने एंसेस्टर्स के लिए करते हैं तो हमको मिलता है रीजन, हम उनके ही तो DNA से बॉर्न हुए हैं ना, जब हम उनके DNA से बॉर्न हुए हैं तो अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं, यानी हम अपने क्लैन के लिए कुछ, अपनी पूरी हायरार्की के लिए हम कुछ करते हैं, तो जब हम ये सब रिचुअल्स करेंगे तो उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा। अभी जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ उनको कैसे बेनिफिट होगा और हमको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अपना पूरा क्लान इम्प्रूव कर रहे हैं बेसिकली ये रेमेडीज करके। सो बेसिकली नोबडी शुड मिस डूइंग रेमेडीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्रेयर्स रेमेडीज रिचुअल्स, ये 15 days ही हैं मोस्ट बेनिफिशियल, क्योंकि क्या होता है एंसेस्टर्स क्यों हमें ब्लेसिंग दे सकते हैं, बिकॉज वो हमसे ऊंचे लेवल पर हैं,
वी आर स्टिल इन द बॉडी, वो सोल लेवल पर है, उनका लेवल जो है उसे कुछ यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स से मेजर होता है, बेसिकली वी आर बिलो 9 units और वो अबव 9 units हैं, तो इसीलिए उनके पास शक्तियां ज्यादा है. तो बट इफ दे आर स्टक समवेयर, तो जब हम उनको उससे रिलीज करवाते हैं तो बेसिकली वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स प्रोग्रेस हमको देकर फिर वो आगे खुद भी बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली एवरीबडी इज आई मीन शुड टेक दिस सीरियसली 15 days. एंड वो हम रिचुअल्स तो अपने करते ही हैं, यू नो, वो श्राद्ध करते हैं, सब करते हैं, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग हमको ये जरूर करने चाहिए, ये 2 weeks में अपने पूजा rituals, remedies, सब very important. Yes, definitely. और जितने भी rituals हम लोग suggest करने वाले हैं आपको, आप देखोगे कहीं ना कहीं सब में राहु का ही लेना देना है ना? जैसे वेबिनार में भी इंतिया जी ने भी जो नारियल वाली रेमेडी दी थी और मैंने भी जो लकड़ी की चंदन दिया था, व्हाइट चंदन, दोनों राहु प्लैनेट से ही रिलेटेड है. तो कहीं ना कहीं राहु को प्लीज करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, है ना? तो ले दे के राहु ही आ जाते हैं हर जगह. देखो राहु जो है ना, दैट इज पैटर्नल क्लैन, केतु इज मैटर्नल क्लैन, ठीक है? तो अगर हम बेसिकली ये सब कुछ करते हैं तो हम अपने ही राहु और केतु को इम्प्रूव कर रहे हैं. तो राहु और केतु को इम्प्रूव करते करते हम अपने पैटर्नल क्लैन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने मैटर्नल क्लैन को भी इम्प्रूव कर रहे हैं. सो एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक. तो इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं. यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. राइट, चलिए इंसिया जी फिर स्टार्ट करते हैं आज अपना इसका पितृपक्ष का क्लास. हाँ जी मैम. आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है रिलेटेड टू एनीथिंग. शैल वी स्टार्ट? किसी कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड. क्लियर है सबको? चलो, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पितृपक्ष के जो डेट्स हैं फॉर 2022 इज फ्रॉम टुडे विच इज 10th of September टिल 25th of September. सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम पूर्णिमा टिल अमावस्या. और इस समय सूर्य, सन इज इन साइन ऑफ वर्गो, ठीक है? और इस समय सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. और इस वजह से, क्योंकि सन इज बेसिकली I mean everybody is Pitri. Sun is the source of all ancestors. So us wajah se Pitri Lok bhi is very close to the earth during this time. Is wajah se, because they are very close, it is said that they visit their homes. Wo apne bachon ke paas aate hain and they expect ki they are respected. Hum unko yaad kar rahe hain. So which is not much, you know. Aap के जो बड़े हैं अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो विच इज गुड. तो वो जब आते हैं आपको देखते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, सो दे फील हैप्पी एंड दे ब्लेस यू. तो हम थोड़ा सा पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं कि व्हाट इज डेथ और डेथ के बाद होता क्या है, कैसे सोल क्रॉस ओवर करता है. थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं. तो होता क्या है, whenever the time of death comes, you know, हमने सुना है कि the feet वो हमेशा ठंडे हो जाते हैं. तो होता क्या है कि our body starts getting disconnected from the earth chakra. That is number one. Death से 4 to 5 hours पहले जो body है वो एक earth chakra से जुड़ी हुई होती है, that starts getting disconnected. तो जब वो डिसकनेक्ट हो जाती है, सो दैट वॉर्म्थ, वो जो हीट होती है वो बॉडी में कम होती जाती है और इन टर्न आपके जो फीट हैं वो ठंडे होते जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑल्सो. एंड देन इवेंचुअली जब डेथ का टाइम आता है तो जो एस्ट्रल कॉर्ड होती है, द कॉर्ड बिटवीन सोल एंड द बॉडी. So once the astral cord is disconnected, means it's finally a death. ठीक है? होता क्या है, death के बाद भी कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ मूवमेंट हो रही है बॉडी में, हल्की से कुछ कहीं
हाथ में कुछ मूवमेंट हो गई, कुछ हो गया, तो हम समझते कि नहीं द पर्सन इज स्टिल अलाइव, लेकिन होता क्या है वो सोल बॉडी से बाहर हो चुका है लेकिन वो फिर से एंटर होने की कोशिश कर रहा है. सो इट्स जस्ट पुल एंड पुश, ही इज जस्ट ट्राइंग टू एंटर बट बिकॉज द कॉर्ड इज ऑलरेडी, एस्ट्रल कॉर्ड इज ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड, तो वो एंटर नहीं हो पाएगा उस बॉडी में. ठीक है, फिर थोड़े समय बाद जब वो अपनी कोशिश करके थक जाता है तो नाउ द सोल अंडरस्टैंड्स कि नाउ देर इज नो वे टू एंटर एंड ही इज आउट ऑफ द बॉडी ऑलरेडी. और वो ये भी देखता है कि उसके आई मीन वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि आई एम स्टिल अलाइव, है ना, तुम क्यों रो रहे हो, तुम ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आई एम स्टिल अलाइव, क्योंकि उसको रियलाइजेशन नहीं होता है कि ही इज डेड. लेकिन जब वो देखता है अपनी डेड बॉडी को सामने, देखता है अपने रिलेटिव्स को सामने, देखता है कि सब ऐसे बातें कर रहे हैं, तो फाइनली ही रियलाइजेस एंड देन जो सोल है इज स्टिल अराउंड. ऐसा नहीं है कि वो चला गया है, वो जाकर रूफ के तरफ ऊपर कहीं सेटल हो जाता है, हायर देन हिज डेड बॉडी. उसके बाद ठीक है, सारे रिचुअल्स होते हैं, सब होता है, द सोल इज स्टिल अराउंड. ठीक है, वो अपने रिलेटिव्स के अराउंड होता है, मे बी अपने वो वैल्यूबल्स के आसपास होता है, वो अपने बच्चों से कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि देखो ये मैंने यहाँ रखा है, ये मेरी वेल्थ है, ये मेरे पोजेशन है, ये बहुत सारी वो कोशिशें उसकी चालू रहती है उस समय में भी. लेकिन फाइनली जब क्रिमेशन होता है, क्रिमेशन के बाद ही फाइनली नोज कि अब मेरे पास कोई और चारा है नहीं एंड माई बॉडी इज ऑल्सो गॉन, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. लेकिन फिर भी आफ्टर क्रिमेशन ऑल्सो द सोल इज स्टिल अराउंड. अब ये जो सब मैं आपको बातें बता रही हूँ, इसका ये पूरे साइंटिस्ट का जो इन्वेस्टिगे वो उनका साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी की है सोल को लेकर, ये उन सब के बेसिस पर है, कुछ गरुड़ पुराण से है और कुछ जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं उसके बेसिस पर है. तो 7 days तक तो सोल बिल्कुल यू नो अपने फैमिली के आसपास ही होता है. ही ट्राइज टू गो टू द प्लेसेस जहाँ उसे बहुत मजा आता था, मे बी उसके फेवरेट जॉइंट्स, उसका फेवरेट कोई गार्डन हो, कोई सी एरिया हो, उसके आसपास ही वो सोल रहता है. एंड देर इज अ टाइम लाइन. ठीक है, सोल को एक टाइम लाइन होती है, विद इन 3 weeks द सोल हैज टू क्रॉस ओवर फ्रॉम द अर्थ प्लेन. ठीक है, तो इस वजह से जो हम ये सारे रिचुअल्स करते हैं, हम 12-13 days तक रिचुअल करते हैं, हम गीता का पाठ करते हैं, हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, सो बेसिकली ये सारे जो हम रिचुअल्स करते हैं, इट इज ओनली हेल्पिंग द सोल टू क्रॉस ओवर, ताकि वो इस मटेरियलिस्टिक बाउंडेशंस में जो फंसा हुआ है वहां से निकलकर वो क्रॉसओवर कर सके. ठीक है, इसीलिए हम उन होली प्लेसेस पर भी जाते हैं, गया हो गया, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, मथुरा, यहाँ सब जगह रिचुअल्स होते हैं, तो हम इन जगहों पर भी जाते हैं ताकि सोल को यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीज मिल सके. तो कुछ लोग, कुछ सोल्स जो हैं वो क्रॉसओवर कर पाते हैं इन 12-13 days में, लेकिन कुछ उसके बाद फंस जाते हैं. उसके बाद जो उनका टाइम लिमिट, उनको 2-3 weeks जो भी टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में वो क्रॉसओवर नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो वो अपने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी रीजंस हो, उनकी वजह से उनका क्रॉसओवर रुक जाता है. तो अब क्रॉसओवर रुक गया तो इसका मतलब वो अर्थ प्लेन पर विदाउट अ बॉडी इधर उधर भटकते रहते हैं. तो फाइनली उनको कब रिलीज मिलेगा? तो ये पितृ पक्ष के समय, जब हमारे डोनेशन से या हमारे उनके रिमेम्बरेंस प्रेयर्स से जब उनको पुण्य लगता है, उस पुण्य की वजह से दे आर एबल टू नाउ गेट द पुण्य एंड स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम दिस प्लेन एंड फाइनली यू नो गो टू देयर प्लेन वेयर दे आर डेस्टिनेड टू. तो जब जो सोल्स क्रॉसओवर कर लेते हैं, वो सोल्स जैसे हमने सुना भी होगा कि फर्स्ट दे सी अ वाइट लाइट और वो वाइट लाइट इज वेरी पीसफुल एंड दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट वाइट लाइट एट ऑल, दे फील सो पीसफुल. और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज दे गो एंड मीट देयर रिलेटिव्स, जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं. जैसे हम अपने किसी रिलेटिव, हमको हम अर्थ पे उनसे मिलते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, हम पार्टी करते हैं,
बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही वहाँ माहौल होता है, वो वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है और वहाँ पर जाकर फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड देन रीबर्थ्स का ये है कि डिपेंड्स, अच्छा ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ द सोल इज जज्ड। जब हम उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई यमराज है वहां या कोई भगवान है वहां, वो आपको बताएगा कि आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया, इस वजह से आपको ये पनिशमेंट मिलेगी या ऐसा बर्थ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हर सोल की पास्ट लाइफ्स की जो भी स्टोरीज हैं वो उसके आंखों के सामने ऑटोमेटिक चलती हैं। मे बी इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बुक और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ रील्स। तो वो उनकी सारी स्टोरी जो है उनके आंखों के सामने चलती है, एंड उस समय उनका जो स्टेट होता है वो स्टेट उनका ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं या अपने आप को सेव कर लूं, ऐसा कोई उनका उनका स्टेट जो होता है बिल्कुल एक मिडिल स्टेट होता है। जैसा कि वो अर्थ पर लोगों को जज किया करते थे उसी तरह से अब वो अपनी लाइफ को जज करते हैं और वो पॉइंट आउट करते हैं कि यस दिस इज व्हाट आई डिड रॉन्ग एंड दिस इज व्हाट शुड बी द राइट ऑफ फॉर इट। बेसिकली होता क्या है कि जब एग्जाम्पल लेट्स से किसी किसी को इतनी प्रॉब्लम होती है, किसी को हेडेक होता है, माइग्रेन होता है और इतना स्ट्रॉन्ग माइग्रेन हेडेक होता है कि आप कितनी भी मेडिसिन ले लो लेकिन उसका सल्यूशन नहीं निकलता है। तो इसका रीजन क्या है? जब उनका पीएलआर हुआ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उसमें पता लगा उनको कि उस पर्सन ने किसी के सर पर बहुत ही हैवी स्टोन दे मारा था जिसकी वजह से सामने वाले की डेथ हो गई थी। सो उस सोल ने डिसाइड किया था कि फॉर मी टू कट दैट कर्मा मैं ऐसे बॉन्ड हूं कि मैं खुद सरदर्द से सारा टाइम परेशान रहूं। तो तभी मेरा ये इतना जो मैंने स्ट्रॉन्ग कर्मा किया है तभी वो कट हो पाएगा। तो बेसिकली सोल डिसाइड्स ऑन इट्स ओन इन दैट स्टेट कि उसको कैसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किसी को अस्थमा, बहुत स्ट्रॉन्ग अस्थमा होता है, इनक्योरेबल, तो ऐसी ही एक लेडी का पीएलआर हुआ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसमें पता लगा कि दैट लेडी, वो जब 8-10 साल की बच्ची थी, सो दे यूज टू हैव फार्म्स, उस फार्म में उनको काउ होती थी, तो वो काउ के पीठ पर बैठकर उसको दौड़ाती थी, उसको डंडा मार मार के। अगर काउ नहीं दौड़ती थी तो वो उसको मारती थी, तो बिकॉज वो काउ को फियर होता था कि ये नहीं ऐसे मुझे मारे नहीं, तो वो फास्ट दौड़ती थी और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। सो बिकॉज ऑफ दैट इन द नेक्स्ट लाइफ उसको बहुत सिवियर अस्थमा की प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो लिंक्ड हैं। तो जब हम उस स्टेट में होते हैं, इवन आप कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि यू डिसाइड कि आपके नेक्स्ट लाइफ में आपके पेरेंट्स कौन होंगे, क्योंकि आपको जैसे एक हमारा होता है संचित कर्मा जो कि हमारा स्टोर्ड कर्मा है, बहुत सारे स्टोर्ड कर्मा है, लेकिन अब हमारे स्टोर्ड कर्मा तो मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स होंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि हम इस लाइफ टाइम में अपना ये कर्मा कट करेंगे। तो अगर हम एक स्पेसिफिक कर्मा को कट करने का यहाँ पर एग्री करते हैं तो उसी से ही रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आती है। जैसे किसी ने अपनी वाइफ को बहुत परेशान किया हो तो वो इस बर्थ में ये मान करेगा कि मेरी मैरिड लाइफ कभी सेटल ही नहीं होगी, ताकि मैं वो पेन बेयर कर सकूं जो मैंने किसी और को दिया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है हम खुद डिसाइड करते हैं एट सोल लेवल, ताकि हम अपने कर्मा को रीबॉर्न होकर काट सकें, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो सबका सबको बैलेंस शीट बैलेंस करनी है। लेकिन होता क्या है, जब हम रीबॉर्न होते हैं तो 40 डेज तक ही सिर्फ बच्चे को पास्ट मेमोरी होती है। आप देखेंगे बच्चा कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, तो दैट इज ऑल पास्ट मेमोरीज। उसके बाद जो होता है द चाइल्ड फॉरगेट्स, एंड देन हम वही कर्म शुरू कर देते हैं और फिर से वही हमारा साइकिल शुरू हो जाता है, अनअवेयर कि हम खुद ये सब मांग कर आए। घर में हमारा किसी के झगड़ा होता है, हम किसी को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं कहीं, लेकिन आपने ही उन चीजों को मांगा है ताकि आप अपना कर्मा सेटल कर सको। तो द बेस्ट रेमेडी इज जैसा आपको जो सिचुएशन मिला है हैंडल दैट सिचुएशन इन अ वे कि नो कॉन्फ्लिक्ट इज क्रिएटेड।
ये एक सबसे बड़ी रेमेडी है, बिकॉज यू शुड नो कि यू आर द वन हु रिक्वेस्टेड दिस इन द फर्स्ट प्लेस टू टू गिव यू दिस कर्मा. ठीक है, सो बेसिकली अभी मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि सोल कैसे क्रॉसओवर होता है और क्या होता है. अब जो हम अपने टॉपिक्स हैं उन पर आ जाते हैं. अब हमारे पितरी कौन है? तो जो भी हमारे फैमिली क्लैन में बॉर्न हुए हैं, अब चाहे एक छोटी सी गर्ल ही क्यों ना हो हमारी फैमिली में, ठीक है, अगर उसकी भी डेथ होती है, कोई लेडी हो, कोई भी अगर हमारी फैमिली से जाता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि वो हमारे पितरी हैं और उन सबको हमको याद करना चाहिए इन 15 days में जब हम अपना रिचुअल्स करते हैं. ठीक है, और मैं आपको एक पहले बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ. हम सेल्फ विधि कैसे कर सकते हैं अपने आप घर पर, तर्पण विधि. अगर आप ये नोट कर लें तो अच्छा होगा. डेली इस प्रोसेस में ब्रेक नहीं आना चाहिए बिल्कुल. ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेक नहीं आए. अब 15 days ये प्रोसेस करना होगा.